हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका फिर से। चलो शुरू करें। द पोजिशन यूज फॉर मोस्ट ऑफ द गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर इज। गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर में सबसे ज़्यादा कौन सी पोजिशन यूज की जाती है? ए लिथोटोमी पोजिशन, बी सुपाइन पोजिशन, सी प्रोन पोजिशन, डी सिम्स पोजिशन। आंसर इज ए लिथोटोमी पोजीशन। लिथोटोमी पोजीशन में पेशेंट पीठ के सहारे हिप्स और नी के साथ 80 से 100 डिग्री एंगल पर लेटा होता है और पैर मिड लाइन से 30 से 45 30 से 45 डिग्री के एंगल पर दूर या छिटक जाते हैं, यानी कि अलग हो जाते हैं, जिससे पेरिनियल एरिया खुल जाता है। लिथोटोमी पोजीशन में पेशेंट पीठ के बल लेटा होता है और उसके पैर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। दोनों पैरों के बीच में जो एंगल होता है वो होता है 32-45 डिग्री का, जिससे पेरिनियल एरिया इजीली ऑब्जर्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड आई डिजीज यानी कि TED इज आल्सो नोन एज। थायराइड आई डिजीज को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? ए ग्रेव ऑर्बिटोपैथी, बी हाशिमोटो डिजीज, सी गोइटर, डी थायराइड नोड्यूल। आंसर इज ए ग्रेव ऑर्बिटोपैथी। थायराइड आई डिजीज को ग्रेव के नाम से भी जाना जाता है। थायराइड आई डिजीज का सबसे आम कारण, जो कॉमन कॉज है, वो है ग्रेव डिजीज, जिसे अपन टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर भी कहते हैं। यानी कि थायराइड आई डिजीज का कॉमन कॉज ग्रेव डिजीज यानी कि टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर है। थायराइड आई डिजीज एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसको 3 इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कंपोनेंट होते हैं। वो 3 इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कंपोनेंट है। पहला है ऑर्बिटोपैथी, यानी कि ऑर्बिटल एंड पेरी ऑर्बिटल टिश्यू इसमें प्रभावित होते हैं, इफेक्ट होते हैं। दूसरा है हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी कि थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तीसरा है ऑप्टल्मोपैथी, यानी कि इन्वॉल्विंग एक्सोथैलेमस। ऑप्टल्मोपैथी के अंदर एक्सोथैलेमस हो जाता है। एक्सोथैलेमस का मतलब होता है प्रोट्रूजन ऑफ द आईबाल, आईबाल का बाहर की तरफ निकल आना, और साथ में डर्मेटोपैथी विद स्किन लेसन शामिल है। तो थायराइड आई डिजीज के अंदर 3 क्लिनिकल सिम्टम्स नजर आते हैं, ऑर्बिटोपैथी, हाइपरथायरॉयडिज्म और ऑप्थेल्मोपैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया द फिंगर नेल बिकम स्पून शेप। दिस कंडीशन इज रेफर्ड एज। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के पेशेंट में जो फिंगर के नेल्स होते हैं वो स्पून शेप हो जाते हैं, तो वो कौन सी कंडीशन है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की, जिसमें फिंगर नेल स्पून शेप हो जाते हैं? ए कोयलंचिया, बी पेरोंचिया, सी ब्लेब, डी फेलोन। आंसर इज ए कोयलंचिया। कोयलंचिया को मुख्य रूप से क्रोनिक आयरन डेफिशिएंसी के रूप में पहचाना जाता है, यानी कि जिन पेशेंट के अंदर क्रोनिक आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है उनके अंदर कोयलंचिया हो जाएगा। कोयलंचिया में नाखूनों के लेटरल डिस्टल एड्स एलिवेट हो जाते हैं, जिससे नाखून स्पून शेप यानी कि कॉनकेव जैसे नजर आते हैं। पिक्चर के अंदर नाखून के लेटरल है वो एलिवेटेड हो गए और बीच से नाखून अंदर गड्ढा जैसा हो गया, स्पून शेप ये नजर आ रहा है। बात करें पेरोंचिया तो इज ए सुपरफिशियल इंफेक्शन डेट डेवलप अलोंग द एड्ज ऑफ द फिंगर नेल और टॉय नेल। फिंगर के नेल बड़ पे या फिर टॉय के नेल बड़ पे ये इंफेक्शन हो जाता है, सुपरफिशियल इंफेक्शन हो जाता है, उसे बोलते हैं पेरोंचिया। बात करें फेलोन की तो फेलोन इज ए पेनफुल एब्सेस ऑफ द डीप टिश्यू ऑफ द पाल्मर सरफेस ऑफ द फिंगर टिप।
फिंगर टिप के पाल्मर सरफेस पे एब्सेस फॉर्मेशन हो जाता है जो कि पेनफुल होता है, उसे बोलते हैं फेलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग विच इंक्रीज द यूरिनरी एक्सक्रीशन इज नोन एज, वो कौन सी ड्रग है जो पेशाब को ज्यादा लाती है? ए वेजोप्रेसिन, बी एंटी डायुरेटिक, सी लेक्सेटिव, डी डायुरेटिक। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और हमें यह भी बताना है कि आपको क्विज कैसी लगी। थैंक यू।